आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बाहर अपनी जड़ों को फैलाने में लगे हैं, पंजाब में कामयाब भी हो गए। भले ही गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के मुख्यमंत्री को केजरीवाल का पायलट बताया हो, देश भर का केजरीवाल का दौरा पंजाब के मुख्यमंत्री कराते हैं। मुझे तो कई बार मालूम ही नहीं पड़ता ये मुख्यमंत्री साहब है या पायलट है, इसका अंतर ही मालूम नहीं पड़ता। वो बात अलग है, लेकिन केजरीवाल कर्नाटक चुनाव में भी बिगुल फूंकने गए थे, लेकिन उस वक्त शीश महल के पर्दे उठ गए थे तो कर्नाटक में केजरीवाल एक बार जाकर दोबारा जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन अब जब राजस्थान में चुनाव में कुल 5 महीनों का वक्त बचा है तो केजरीवाल राजस्थान में सरकार बनाने की हुंकार भरने के लिए राजस्थान पहुंचे थे, लेकिन राजस्थान की जनता ने उन्हें उल्टे पांव दौड़ा दिया। केजरीवाल ने राजस्थान में क्या कहा और राजस्थान की जनता ने उन पर किस तरीके से प्यार लुटाया, आज आपको वही दिखाएंगे। नमस्कार, NMF न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में 5 महीने का वक्त बाकी है, कांग्रेस बीजेपी जोड़ तोड़ में लगी हैं, पूरा दम लगा रही हैं, लेकिन राजस्थान में अब तीसरा मोर्चा भी तैयार हो रहा है और उस मोर्चे की अगुवाई कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के साथ राजस्थान के गंगानगर में रैली करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। खुद को आम आदमी बताने वाले केजरीवाल राजस्थान से ऐसे दौड़े जैसे कभी वापस ही नहीं आएंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए। केजरीवाल के साथ साथ भगवंत मान को भी विरोध का सामना करना पड़ा। मान पर केमिकल युक्त पानी पर रोक नहीं लगाने के आरोप लगाए गए। हालांकि रैली के दौरान दोनों नेताओं ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। सचिन पायलट के लिए सहानुभूति दिखाई गई, वसुंधरा राजे को भी घेरने की कोशिश की गई। केजरीवाल ने संबोधन शुरू करने से पहले आरोप लगाया कि यहाँ रामलीला मैदान में उनके आने से पहले दर्जनों लोग आए और यहाँ तोड़फोड़ की। हालांकि ऐसा कुछ हुआ या नहीं, उस बात की पुष्टि खुद केजरीवाल ही कर रहे हैं। अब पता नहीं ये तोड़फोड़ उन्हीं के समर्थकों ने की है या फिर केजरीवाल के विरोधियों ने की है। केजरीवाल ने राजस्थान की जनता को अस्पतालों के नाम पर खूब बरगलाने की कोशिश की, वो भी सुनिए। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, आपके घर में कोई बीमार हो जाए, सरकारी अस्पताल में राजस्थान में कोई इलाज नहीं होता, ना डॉक्टर, ना दवाई, ना मशीन, ना एक्सरे, कुछ नहीं है। और प्राइवेट में चले जाओ। कल मेरे एक रिश्तेदार का फोन आया, उसका बेटा गिर गया, यहां पे चोट लग गई माथे पे, किसी और राज्य में रहता है, दिल्ली में नहीं रहता, कहीं और रहता है। वो एक बड़े अस्पताल में गया टांके लगवाने, 4 टांके लगने थे, उस बड़े अस्पताल वालों ने 2.25 लाख रुपए का बिल बना दिया, 4 टांके लगाने हैं, 4 टांके। आज इतना महंगा हो गया इलाज कराना, इतना महंगा हो गया इलाज कराना, आम आदमी थोड़ी सी बीमारी हो जाए लुट जाता है, पूरा घर लुट जाता है उसका। दिल्ली में हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया। आपको खांसी है, बुखार है, क्रोसिन की टेबलेट लेनी है, दवाई मुफ्त मिलेगी, डॉक्टर मुफ्त, टेस्ट मुफ्त, सारा इलाज मुफ्त, सब कुछ मुफ्त कर दिया। पूरे दिल्ली में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सारे दिल्ली के सरकारी अस्पताल एयर कंडीशन बना दिए, प्राइवेट अस्पतालों से भी ज्यादा अच्छे कर दिए दिल्ली के सरकारी अस्पताल। अब आपको चाहे 10 रुपए की टेबलेट लेनी है वो भी मुफ्त, और 10 लाख रुपए का इलाज कराना है वो भी मुफ्त, सब कुछ मुफ्त कर दिया। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों का क्या हाल है, उसकी हकीकत अगर राजस्थान की जनता ने आकर
देख ली तो केजरीवाल के वादों की हालत खराब हो जाएगी। दिल्ली के तमाम मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं, दवाई और डॉक्टर तो दूर की बात है, वहां कुर्सी मेज और दरवाजे तक नहीं है। ये जो केजरीवाल ने अपनी रेवड़ियों से जनता को बरगलाने की कोशिश की है, उसकी हकीकत को पंजाब भी बयां करता है, जिसके ऊपर दिन दोगुना और रात चौगुना कर्ज बढ़ रहा है। पंजाब पर फ्री की रेवड़ियों को पूरा करने के लिए, फ्री के जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने के लिए लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। इस वक्त करीब पंजाब पर 2.82 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जिसमें देश का और विदेशी कर्ज भी शामिल है। लेकिन केजरीवाल रैली में ऐसी बातों का जिक्र तक नहीं करते। कांग्रेस और बीजेपी वालों ने राजस्थान को लूटा, चूस लिया दोनों पार्टियों ने मिलकर राजस्थान को। आज आपके सामने मैं राजस्थान के एक नए राजस्थान का सपना लेके आया हूं। 8 करोड़ राजस्थानियों के साथ मिलके एक नया राजस्थान बनाएंगे। अब आप सुनिए सचिन पायलट के लिए केजरीवाल का क्या कहना है। रो रो कर मर गया सचिन पायलट। केजरीवाल का कहना है कि भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने राजस्थान में भ्रष्टाचार किया। बेचारा सचिन पायलट रो रो कर मर गया, लेकिन गहलोत कार्रवाई नहीं कर रहे। कहते हैं कि वसुंधरा मेरी बहन लगती है। हमने देखा पूरे गंगानगर में, और केवल गंगानगर नहीं, खासकर ये जो स्टेडियम है, स्टेडियम के चारों तरफ गहलोत साहब ने अपने होर्डिंग और अपने बैनर लगा रखे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, गहलोत साहब 5 साल काम कर लेता तो ये नीच हरकत नहीं करनी पड़ती आपको। राजस्थान में केजरीवाल ने कांग्रेस को भी गरिया लिया, बीजेपी को भी उल जुलूल बोल लिया। चुनाव में अक्सर नेता यही आरोप लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये आम बात है। लेकिन क्या केजरीवाल के लिए भी ये आम बात है? क्योंकि आम आदमी केजरीवाल देश भर में घूम घूम कर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटा रहे हैं, और विपक्ष उन्हें समर्थन देने के लिए तैयार भी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी केजरीवाल को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है, और अब केजरीवाल कांग्रेस के धागे खोल रहे हैं तो कांग्रेस का समर्थन मिलना और मुश्किल काम है। और केजरीवाल को हर हालत में इस अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का समर्थन चाहिए। वो कांग्रेस के समर्थन के बिना इस अध्यादेश को वापस नहीं करवा सकते। हालांकि राजस्थान का इतिहास ये भी रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस से अलग कोई पार्टी वहां अपनी जड़ें नहीं जमा पाई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी वहां अस्तित्व में नहीं आई, कई क्षेत्रीय पार्टियां राजस्थान में अस्तित्व में आई, उन्होंने अपनी जड़ी जमाने की कोशिश की, लेकिन वो कोई खास प्रभाव वहां नहीं छोड़ पाई। केजरीवाल ने गुजरात में कोशिश की, हिमाचल में कोशिश की, कर्नाटक में तो एक बार जाकर फिर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, और अब राजस्थान में भी केजरीवाल अपनी जड़ों को फैलाने में लगे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान की जनता केजरीवाल के बहकावों में आती है या नहीं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।